नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण। आज फिर हाजिर हूं आपके फेवरेट टॉपिक के साथ, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम, ये इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन क्या होता है, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन कैसे हो जाता है, तो कैसे लोग अचानक से कुछ भी सोचते हैं और उसे पा लेते हैं, क्या सचमुच ऐसी कोई शक्ति होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बात करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि कितनी पावरफुल है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कितनी पावरफुली कुछ भी हासिल करने में, कुछ भी अचीव करने में आपको हेल्प कर सकता है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ज़रूरत है तो आपके माइंड को समझने की, माइंड के लॉजिक्स को समझने की और किस तरह से उसके थ्रू हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं उसको जानने की। दोस्तों, होता क्या है कि जब हम माइंड की बात करते हैं तो हमें माइंड का पावर समझना बहुत ज़रूरी है कि एक बार में हमारे दिमाग में कुछ 11 मिलियन थॉट्स जो हैं वो फिल्टर होते हैं, गुजरते हैं हमारे दिमाग से हर सेकेंड। और आप सोचिए कि अगर हम किसी एक थॉट को कुछ सेकंड्स के लिए भी अगर सोच पाते हैं, कुछ सेकंड्स की बात कर रही हूँ दोस्तों, मैं इंस्टेंट की बात कर रही हूँ, मैं कुछ घंटों, कुछ दिनों और कुछ महीनों की प्रैक्टिस की बात ही नहीं कर रही हूँ, कि कुछ सेकंड्स के लिए भी अगर आपने एक थॉट पे फोकस किया तो उसकी पावर कई लाख गुना बढ़ जाती है, 11 मिलियन टाइम्स बढ़ जाती है। तो आपको ज़रूरत सिर्फ फोकस करने की है, माइंड को समझने की है। अगर आपने दिमाग की इस पावर को समझ लिया तो दोस्तों, कुछ भी हासिल करने में ना सेकंड्स लगते हैं। पावर को समझना है और उस पर अप्लाई करना है। दिमाग को कंट्रोल करने की कभी कोशिश मत कीजिएगा। मेरे को एक बहुत बड़े योगी महाराज मिले थे और मेरी उनसे बात हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि यानी कि ऐसे लोग दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं। तो नहीं, दिमाग को नहीं कंट्रोल कर सकते, करना पॉसिबल भी नहीं है। और आप जब दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आप उसमें और फंसते चले जाएंगे, उलझते चले जाएंगे। आपको करना क्या है, अगर आपको इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो सबसे पहले दिमाग को कंट्रोल नहीं, शांत करना है। शांत कैसे करना है, मीन्स कि थॉट्स आने जाने कम हो जाए। जितने ज़्यादा कम होंगे उतनी ज़्यादा आपकी उस एक पर्टिकुलर थॉट की पावर बहुत बढ़ जाएगी। उसको शांत करने के दोस्तों कई तरीके हैं, जैसे कि सबसे इजी और सबसे आसान तरीका जो सिखाया जाता है कि अपनी सांसों पे ध्यान लगाएं, कि हम सांस अंदर ले रहे हैं, डीप ब्रेथ, बाहर जा रही है, फिर अंदर ले रहे हैं, फिर बाहर जा रही है। तो दोस्तों, हमारा जो ध्यान है सांस के बाहर जाने और अंदर आने पे है, तो दिमाग में जो शोर चल रहा है, जो 11 मिलियन थॉट्स का जो शोर है, जो एकदम गूंज है, स्क्रीम्स है, वो धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगी, काम डाउन होना शुरू हो जाएगी। फिर आप इसमें दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, जिसे कहते हैं कि जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो हमारा दिमाग और भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है हमारी सांसों पे, हमारा फोकस जो है हमारी सांस पे आ जाता है, दिमाग में जो ढेर सारे थॉट्स हैं उससे दिमाग हटने लग जाता है। तो ऐसे भी हम दिमाग को काम डाउन कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है दिमाग को शांत करने का, वो होता है आपके विजुअल्स के थ्रू। बेसिकली देखिए, आप अगर वैसे भी आप देखेंगे कि सपोज किसी की डेथ हो जाए तो आप बहुत टेंशन में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं जब आप सुनते हैं ऐसे चीज़ के बारे में। लेकिन अगर वो डेथ होते हुए आपने खुद अपनी आंखों से देखी होती है तो आप कहीं गुना ज़्यादा परेशान होते हैं, कहीं गुना ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। यानी कि आप अपने विजुअल्स के थ्रू भी अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। जब आप परेशानी वाली चीज़ें नहीं देखेंगे, विजुलाइज नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली दिमाग में वो परेशानी वाले थॉट्स भी नहीं आएंगे। तो ये कुछ तरीके हैं। उसके बाद ऑब्वियसली मेडिटेशन है जो सबसे स्ट्रांग तरीका है दिमाग को काम डाउन करने का, शांत करने का। और आप जब दिमाग को शांत करना, इस प्रोसेस का जो पहला स्टेप है शांत करना इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन का,
जब आपको लगता है कि आप बिल्कुल नथिंगनेस में पहुंच गए हैं, जीरोनेस में पहुंच गए हैं, यानी कि आपके दिमाग में कोई भी थॉट्स आना जाना बंद हो गए हैं, सोचना बंद हो गया है दिमाग, दोस्तों वो मोमेंट है जब आप कुछ सेकंड्स के लिए भी अगर आप उसनी मैनिफेस्टेशन को जो आप चाहते हैं, जो आपकी डिजायर है, उसको सोचते हैं, उसको विजुलाइज करते हैं, उसको फील करते हैं, तो दोस्तों वो कहीं लाख गुना ज़्यादा पावरफुल ऑलरेडी हो चुकी होती है। और ऐसे वक्त में जब आप कुछ भी मैनिफेस्ट करेंगे तो वो इंस्टेंट आपका पूरा होगा। आपको उस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस या कई दिनों, कई महीनों, कई सालों तक उसको मैनिफेस्टेशन की तैयारी। दोस्तों ये वक्त ऐसा है जब आपने जो सोच लिया वो पूरा होगा ही होगा, और उसी वक्त होगा, इंस्टेंटली होगा। हो सकता है आपको रिजल्ट कुछ दिनों में, कुछ घंटों में ही नजर आ जाए, कुछ घंटों में ही आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए। तो आप ट्राई जरूर कीजिएगा इस मेथड को, और ट्राई करने के बाद क्या रिजल्ट्स आए वो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आई विल वेट फॉर योर रिजल्ट्स एंड योर कमेंट्स। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, शुभ रात्रि।